आप देख रहे P20 न्यूज। जनपद सहारनपुर के ग्राम जीलावाला में किसान मजदूर संगठन ने लालगंज पावर प्राइवेट लिमिटेड और राजकीय रेशम फार्म ग्राम मांडूवाला में मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से पावर प्लांट के गेट पर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे, जिस पर महापंचायत हुई, जिसमें किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ दर्जनों किसान नेता धरने में शामिल हुए। मौके पर SDM बेहड़ दीपक कुमार पहुँचे और किसानों की समस्या सुनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, किसानों का यह धरना जारी रहेगा। इस धरने में मुख्य रूप से किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह युवा, जिला अध्यक्ष कुलदीप राणा, ब्लॉक अध्यक्ष मुजफ्फराबाद अभिषेक राणा, ब्लॉक अध्यक्ष मोहित राणा, सुनील सैनी, जितेंद्र राणा, सत्येंद्र सिंह, दीपक राणा के अलावा सैकड़ों किसान व दर्जनों महिलाओं के साथ साथ क्षेत्र के थाना फतेहपुर के इंचार्ज भी मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। उसके संबंध में हमारी जो समस्याएं हैं उन पर हम किसान भाई जागरूक हो चुके हैं, अपनी हर समस्या का समाधान कराकर रहेंगे। और नहीं तो जब तक हमारा धरना प्रदर्शन सड़कों पर उतर के काम करेंगे। ये किसानों का संगठन है, ये मजदूरों का संगठन है। क्या नाम है आपका? सुमन। क्या नाम है? सुमन। कौन से गांव के रहने वाले हो? क्या समस्या है? समस्या बताएं अपनी। समस्या है कि क्या नाम जी, कीड़े पड़वाते हैं ये। किस चीज के कीड़े? ये रेशम वाले। अच्छा। और क्या नाम कह देते हैं कि मकान आएगा कुछ आना नहीं मंगाना जी। और क्या नाम ना मजदूरी भी नहीं आती खातों में, मजदूरी भी नहीं आती खातों में, कुछ भी नहीं आता। और प्रधान ने क्या कहा इस बारे में? प्रधान से तो बात ही नहीं हुई जी। क्यों नहीं बात करी आपने इस बारे में प्रधान से? जी प्रधान दूसरा था, अभी तो बने एक साल हो गया लगभग, होने में दो ढाई साल होने वाले प्रधान को जी। लेकिन वो था दूसरे वाला प्रधान, उससे बात बहुत ही, वो कहता था मैं कह दूँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक राणा, किसान मजदूर संगठन ब्लॉक अध्यक्ष। किस पद पे हो आप? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ किसान मजदूर संगठन जी। क्या मामला है सर, आज किस लिए धरना दिया गया? ये है कि 28 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है यहाँ पे, और कंपनी इतनी हठधर्मी पे उतरी है कि वार्ता के लिए तक नहीं आई अब तक, इसलिए मजबूरन मुझे आज महापंचायत बुलानी पड़ी। ये जो धरना प्रदर्शन है किस कारणों से हुआ, क्या कारण है इसके जो आपको धरना प्रदर्शन? इतनी कारण यह है कि हमारे जो ग्राम समाज की भूमि है जिसमें हमारे पशु चरा करते थे, उन्होंने सारी कब्जा ली। नदी का जो नक्शा है कंपनी के बीच से होकर गुजर रहा, पैमाइश में जो सारे अधिकारी यहाँ हैं, कंपनी का बचाव करा जा रहा पूरी तरीके से। तो इस बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो किसी संगठन और भी आपके साथ हमारी आज मांगे पूरी नहीं होती महापंचायत में भी, तो किसान मजदूर संगठन बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, आपने इसके लिए किसी अधिकारी किसी के संज्ञान में डाला है? सबको SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया था, DM साहब को भी हमने अपनी समस्या बताई, कोई निस्तारण नहीं हुआ अभी तक, इसलिए मजबूरन आज मुझे महापंचायत बुलानी पड़ी है। कौन आएंगे इसमें आज, कौन संचालन करेंगे? ठाकुर पूरण सिंह जी हमारे बीच में आने वाले बस कुछ ही मिनटों में। अगर ये धरना आपका आज नहीं मांगे पूरी होती तो कब तक धरना जारी रहेगा इसके लिए? अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी होगी। अभी तक तो सिर्फ आराम से बैठे थे, शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो प्लांट पर तालेबंदी भी की जाएगी। उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा। क्या नाम है आपका? राजेश राणा, गाँव जीवाला जी। सोलर प्लांट है जीवाला और मंडवाला के मुश्तरका रकबे में लगा हुआ है, और 27 साल के लिए लोगों की ज़मीन ले ली। अभी कुछ लोगों को किसी को मुआवजा नहीं दिया, किसी को किराया नहीं दिया, ग्राम समाज की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा। तो हमारी मुख्य मांग है ग्राम समाज की जो ज़मीन है वो खाली कराई जाए, और जिन लोगों के किराए के पैसे नहीं दिए, उनका कर्जा जमा नहीं किया, जो जो वादे किए गए थे वो कोई भी वादा इन्होंने अपने उस पर पूरा नहीं किया। लगभग कितना पैसा है सोलर प्लांट पे जो ग्राम तो करके पता चलेगा, लेकिन 80% लोगों का अभी तक किराया और मुआवजा नहीं दिया गया। कितने साल से बंधित है ये जमीन? बंधित है अभी 2020 से इन्होंने लीज करनी शुरू की थी, और आज 2022 खत्म हो गया, 23 लग गया। क्या कब तक धरना जारी है इसका? धरना तो जब तक मांग पूरी नहीं, धरना लगातार चलता रहेगा। और कोई संगठन भी है आपके साथ इसके अलावा? किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आ रहे, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का भी समर्थन पूरा साथ है, और इलाके के सभी लोग जो पीड़ित हैं, जीवाला, मुसैल, बेड़ा संदल सिंह,
सभी लोगों का सामूहिक धरना है। ऐसे सोलर प्लांट और भी कोई है जिसमें ऐसे? जीवाला के अलावा बेड़ा संदल सिंह में है, उसमें भी यही स्थिति है। भी किसानों के साथ तो एक ही बर्ताव है इनका, ये जमीन लो और पैसा मत दो। कौन है इसके डायरेक्टर? डायरेक्टर तो बदलते रहे, पहले लालगंज पावर थी, अब जो है फोर्थ पार्टनर हो गए। अब जो भी व्यवस्था है वो तो उनके अपनी मैनेजमेंट। तो आपने ये जो है इनके जो संज्ञान में डाला है, शुरू से डाला के या हर बार डालते रहते हो इनके बारे में? हम तो लगातार पिछले 1.5 साल से किसान परेशान है और लगातार इनसे बातचीत करने के क्रम में है, अभी तक कोई संतोषजनक इन्होंने उपचार नहीं दिया। परवीन राणा, कहाँ के रहने वाले हैं? बेहड़ा संदल सिंह जी। आज क्या मामला है, क्यों धरना दिया गया आज, ये बताएं आप। हमारा मामला यह है कि ये सोलर प्लांट में हम लोगों ने जमीन दी थी किराए पर 27 साल के लिए, और इन सोलर प्लांट वालों ने हमारे से झूठे वादे करके हमारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो ग्राम समाज की भूमि है उसको भी अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं। यह हमारा आज का धरने का मुख्य कारण है। तो कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया गया जमीन का? कोई मुआवजा नहीं दिया गया, वादा किया गया था। अब कब से धरना जारी है इसके लिए? धरना पिछले 25 दिन से जारी है। क्या मांगे इसके अलावा आपकी? हमारी मांग यह है कि जो ग्राम समाज की भूमि है उसका किराया दिया जाए, और उस किराए को गांव ग्राम समाज अपने किसी भी काम में यूज करे। और दूसरी हमारी यह है कि भाई जो किसान भाइयों का बैंकों का लोन है उसे जमा करने का वादा किया था, और गाँव को बिजली देने का वादा किया था, ये हमारी प्रमुख मांगे रही हैं। 25 दिन से धरना जारी है, कोई अधिकारी, कोई संबंधिकारी इसमें कोई आपके लिए आया सहायता के लिए? इनके अधिकारी आए थे लेकिन कोई उन्होंने उचित और सम्मानित बात नहीं करी। अगर ये आपकी मांगे नहीं मांगी जाती, नहीं मांगता है ये, तो क्या कदम होगा, कब तक धरना जारी रहेगा, और क्या हमारा धरना जारी रहेगा और इस धरने को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये ऐसे सोलर प्लांट जो है सिर्फ जीवाले के अंदर ही है या और भी कहीं पे ऐसे हैं? नहीं, ऐसे सोलर प्लांट दो हैं, एक बेहड़ा संदल सिंह में है मेरे गांव में, और एक जीवाला में है। उसकी भी स्थिति यही है? उसकी, बेहड़ा संदल सिंह की स्थिति भी यही है। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? आपने आप तक आगे की क्या रणनीति बना रखी है अगर नहीं मांगी? आगे की रणनीति है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अपनी बात को जारी रखेंगे और लखनऊ तक प्रयास करेंगे अपने धरने को लेकर जाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो इसमें क्या भूमिका रही उनकी? ठाकुर पूरण सिंह हमारे मजदूर किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो पहले भी हमारा सहयोग करते आए हैं, आज भी हमने उन लोगों को अपने यहाँ बुलाया है। कौन से गांव के रहने वाले हो? बताओ आज क्या समस्या है, किसने धरने में बैठे? समस्या है यहाँ से ना तो हमें मजदूरी मिल रही, बाहर के आदमी लगाए जा रहे हैं। किस चीज की मजदूरी कर रहे थे आप? मजदूरी कीड़े पालने की कर रहे थे जी। कौन से कीड़े पाल रहे थे जी? रेशम विभाग। अच्छा, क्या समस्या हुई, क्या हुआ कि जब कीड़े पाल रहे थे जी? ना तो हमें पैसा मिलता है, ना यहाँ मजदूरी मिलती है, कुछ नहीं मिलता है जी। जो सरकारी रेशम विभाग में पैसा आ रहा, मकान भी आ रहे हैं, बाहर जा रहे जी। किसने कुछ आपने शिकायत करी इसकी कभी किसी के साथ जी? अभी तो नहीं करी है। कब से हो रहा है ये मामला की जो? ये तो 8-10 साल से हो रहा जी। मजदूरी नहीं, यहाँ कोई भी मिलती है बाहर से ला रहे लेबर जो मजदूरी कराते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका जी? फूलकली। क्या नाम है आपका? फूलकली। कौन से गांव के रहने वाले हो? मंडवाले से। प्रधान कौन है आपके यहाँ के? विजयपाल है जी। क्या समस्या है, आज क्यों बैठे धरने पे आप यहाँ पे? अजी बैठे क्या, सबको हम गरीब आदमियों के लालच दिया था, रेशम विभाग बन रहा, सब मजदूरी ना करियो और कीड़े पालो। ना तो हमें मकान मिला, ना ही हमें पैसा मिला, रेशम का पैसा नहीं मिल रहा था, और फिर हमने कीड़े पालने इसलिए बंद करे, और अब जाए दूसरे पर ठेके पर कीड़े पलवा और ठेके पर ही काम करवा रहे सब यहाँ से। अच्छा, तो कब से चल रहा है मामला ये? ऐसा तो कम से कम 8-9 साल तो हो गए नहीं, ठेके में करवा रहे काम। तो आपने इसकी शिकायत किसी से करी है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं करी थी। प्रधान जी से बात करी है इस संबंध में? विजयपाल सिंह राणा, ग्राम प्रधान, रीतपुर मंडवाला जी। आज ये संगठन का अध्यक्ष मुजफ्फराबाद ब्लॉक। आज ये जो संगठन लगा है, ये संगठन किस कारणों से लगा है? इसमें दो मांगे हैं, एक तो सोलर प्लांट की है समस्याएं, और एक रेशम विभाग है जो मंडवाले की जमीन में लगा हुआ, इसमें पहले कीट पालक लोकल मंडवाले की जमीन थी, मंडवाले के लोगों ने काम करा, पेड़ तैयार करे, कीट पालन किया, उत्पाद किया,
उन्हें उस समय कुछ लाभ भी मिला। अब 2-3 साल से जो भी यहाँ कर्मचारी हैं बाहर ठेके से काम करा रहे हैं, यहाँ लोकल मजदूर को ना मजदूरी दे रहे, ना इनसे कीट पालन करा रहे, ना कोई आवास दे रहे। कर्मचारियों की मिली भगत से जो आवास आए थे मांडवाड़ा के, वे अन्य किसी पंचायत में दे दिए। तो प्रधान जी, आपने इनका कुछ सहयोग करा गांव वालों का? उसके बाद इनके जो डायरेक्टर हैं जीपी अनुरागी, उनसे भी वार्ता की, वे कहते चलो समाधान कराएंगे, नहीं तो मकान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे लोग अगर समस्या का समाधान न हो। ठीक है। किसी कार्ड जमा करा, ना किसी को लाइट फ्री दी, ना इन्होंने सौंदर्य पर कुछ काम करा। इनका मकसद था कि हमारा काम हो गया, जमीन हमने ले ली, और जो जमीन हमें बेमतलब में भी फंस गई, ग्राम समाज के विकास में भी हम पैसा लगा। एक सबसे बड़ी इनकी दिक्कत क्या रही कि जब इन्होंने जमीन ली तो जमीन 27 साल की लीज पर थी। 27 साल की लीज इन्होंने करी। इन्होंने ये कहा कि भाई इस बीच में जिन भी किसानों का केसीसी कार्ड होगा उसे सोलर प्लांट जमा करा, आप जमीन दे दो, आपका कार्ड हम जमा कराएंगे, जो कार्ड से पैसा बचेगा वो आपको महीने टाइम दिया जाएगा। इन्होंने 99 बोल के जमीन दी। इन्होंने कहा, जबकि जो काम नहीं हो सकता वो इन्होंने कह दिया कि मांडूवाड़ा और जीवाड़ी की जो संयुक्त जमीन है इसे हम फ्री दें। इन्होंने बिजली फ्री के बाद में कह दिया बिजली फ्री दे ही नहीं सकते। हमने भी अपने मन में चलो भाई बिजली फ्री का तो कोई व्यवस्था नहीं बनती, हमने भी सोची। इन्होंने कहा भाई जिन लोगों की जमीन जागी इस प्लांट में वही नौकरी करेंगे, जिनकी जमीन जागी उन्हें रोजगार दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि किसे कैसा दिया जाएगा, यो टेक्नीशियन है या यो इंजीनियर बनागा या यो क्या बनागा, कौन सी कौन सी करेगा। इनका तो मतलब था कि भाई उसको रोजगार दिया जाए, नहीं दिया। ग्राम समाज की, दोनों ग्राम समाजों की, तो आप उन्हें सोलर प्लांट के जो लोग हैं पहले तो उन्हें बुलवाओ, क्योंकि उनके बिना तो ये व्यवस्था बने नहीं, वही सफाई देंगे इसमें कि हमने ये सब काम कराया नहीं करा। तो एक तो उन्हें बुलवाओ, ये जरूरी हमारे लिए है कि ग्राम समाज की जमीन और जिन विषयों पर इन्होंने जमीन ले रखी, जो वादे करके इन्होंने जमीन ले रखी, यदि उन वादों पर अब ये खड़े नहीं उतरेंगे तो सीधी सी बात है फिर तो भाई आंदोलन। आज क्या मामला सर? मामला कुछ नहीं है, देखो सन 2019 में यह जमीन सोलर प्लांट के लिए लीज करी गई थी किसानों के साथ। जब जमीन लीज हुई तो किसानों के लारे ये वादे भी करे गए कि जो तुम्हारा केसीसी कार्ड है, तुम्हारी 12 का बिल है, गांव में सौंदर्यकरण का काम है, या जिन लोगों की जमीन जागी उन्हें रोजगार का मुद्दा है, इन सब विषयों पे इन्होंने बहका के जमीन तो ले ली थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था ये है कि इन लोगों ने आज तक किसी भी एक कार्य पे किसान के काम नहीं करा, जबरदस्ती जमीन ले ली और लगभग 150 बीघा जमीन ग्राम समाज की है जिसपे ये अवैध कब्जे से करके उस अवैध कब्जे के रूप में जमीन को भी कब्जा ले लिया। इसलिए पिछले 5-6 दिन से ये सब गांव वाले जिनकी जमीन इसमें है वो सब आंदोलन कर रहे, और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक वो ग्राम समाज की जमीन मुक्त नहीं होगी, और सोलर प्लांट की कंपनी ने जो इनके साथ वादे करे थे वे पूरे नहीं होंगे, जब तक आंदोलन चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा। आज मौके पर SDM आए थे और जो है SHO आए थे थाने के, उन्होंने क्या कुछ बताया? उन्होंने तो बेचारे को उन्होंने भी नहीं बताया, और क्या हो रहा, नहीं तो ताजे ताजे आए बिल्कुल, उन्हें भीतर भेजा भी, मगर इससे पहले पूरी बात कर लो, जो उनसे नवे दूध होता है उसे करो, नहीं तो तो अध्यक्ष जी ये क्या उम्मीद है कि कब तक निस्तारण इसको हो जाए कुछ? जब तक होगा जब तक यही है, तो अभिषेक करिए, सब क्रांतिकारी तो बड़ा लग रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है यहाँ। अच्छा, जो ये इसका जो है कीड़े, रेशम कीड़े का मामला है, इसके बारे में थोड़ा बताया। अच्छा, रेशम में इन्होंने रोजगार दिया, ये मात्र शक्ति सब यहाँ बैठी, आप देख रहे होंगे उन्हें, उनसे भी आप थोड़ी जानकारी करियो। ये मात्र शक्ति बैठी ने कहा कि रेशम के इस पूरे प्लांट में सब लोग यहीं का स्थानीय लोग काम करेंगे,
उन्हें आज तक उन्हें सबको यहाँ से बाहर कर दिया गया। जबरदस्ती इन्होंने रेशम का जो प्लांट था उसमें कोई इन्होंने अवैध कब्जे था वो ले रखा रास्ता, जबकि इनका कोई रास्ते पे कोई अधिकार नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि पकड़ाई तो थी इन्हें उंगली और पकड़ लिया इन्होंने पहुंचा, ये आगे कपड़त में। अब इन्हें पहले पता नहीं मुझे क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जब तक निस्तारण नहीं होगा जब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा।